ये देवता नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं नाचूंगी, मेरे पास देवता आएगा, मेरे पास आएगा देवता। तो उन्होंने अपने आप से खुद अपने आप को धूप दे दी, रोक नहीं पा रहा है और ये नहीं कर पा रहा है। तो गोयल क्या करेगा हमारे यहाँ पर आगे, गोयल होयल कुछ नहीं होता है। जैसे इतनी बात जो बोली गोयल की गद्दी में बोली कभी नहीं सुनी जाती है, तो तुरंत गोयल जो प्रकट, जो डांट पटकार जो भी इस पर पड़ी थी बोली पे, तो इसके आंसू गिरे थे, तो आंसू में इसके घर का मैत का गगनाद यहाँ आ गया है। अब उत्तराखंड घुमोलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमोलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हम पहाड़ी नीचू, हर हर महादेव, जय वीर कारा बजरंगी। आप सबके ऊपर महादेव की और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए, और पूरे परिवार के ऊपर बजरंगबली महादेव की कृपा बनी रहनी चाहिए। और यह दोस्तों आपका अपना चैनल है पहाड़ी हेमचू पहाड़ी चैनल, इसे लाइक कराएं, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि हमारे पहाड़ों की संस्कृति बढ़ रही है आगे और हमें अपने उत्तराखंड की कहानियाँ सुनने को मिल रही है साक्षात, तो आप मेरे चैनल के साथ एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और एक पहल मेरे साथ आ सकते हैं। और किसी को भी लगता है दोस्तों, जो मैं कहानी वगैरह देता हूँ, किसी को भी लगता है कि यार हाँ हमें भी हेमचू पहाड़ी चैनल में अपनी कहानी देनी चाहिए और मेरी भी कहानी लोग देखें और लोगों तक मेरी कहानी उत्तराखंड की जाए और अपने देवी देवताओं का प्रचार करें, जो भी देवताओं का प्रचार होता है हमारे, जो भी ये घटनाएं होती है हमारे देवताओं का प्रचार होता है, क्योंकि देवता तभी तो अपनी शक्तियां दिखाते हैं। और तभी ये जो कहानियां मैं आपको देता हूं दोस्तों, जो मैं ये कहानियां आप लोगों को देता हूं, ये कहानियां हमारे देवता जो उत्तराखंड के जो न्याय करते हैं इसी तरह करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे घरों में ये अभी भी दुविधा चलती है। जैसे मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण देता हूँ, जैसे एक कोर्ट होता है, कोर्ट के जो जज साहब होते हैं हमारे, तो वो जब भी कोई फैसला सुनाते हैं तो पुराने रिकॉर्ड ही देखा करते हैं, यार इस सजा में ये हुआ था तो इसका कैसे हुआ था, कि इसका निस्कारण कैसे हुआ था। तो वैसी जो ये घटनाएँ चल रही होंगी जो मैं लेके आता हूँ, ये अभी भी किसी के ना किसी के घर में चलती हैं ऐसी घटनाएँ, तो उस यहाँ से आपको उसका निस्कारण मिल जाएगा कि यहाँ पर से कैसा हुआ था तो कैसा हुआ था। तो आप ये इस कहानियाँ सुनना ध्यान से, और अपने घरों पर अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो ये अप्लाई करके देखना, तो आपको 100% इससे रिलीफ और राहत मिल जाएगी। तो यदि आप लोगों को लगेगा कि हेमचू पहाड़ी चैनल अच्छा चैनल है, तो मेरे चैनल को साथ एक कदम आप मेरे साथ चलें और दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल को आगे बढ़ाएं। तो मैं कहानी पर आता हूँ, सीधा इधर उधर की बात नहीं करते हुए। जो ये कहानी है ये मेरे पास सल्ट से आई है और मेरे से इसमें रिक्वेस्ट करे गया है कि हमारा इसमें नाम पता वगैरह सब लुप्त रखना, और बाकी ये कहानी जो है देवतों के प्रचार के लिए है, तो इस वजह से हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं। और कहानी हमें अच्छा लगता है आपके YouTube पर कहानी सुनना, आपके चैनल पर, तो ये चैनल आपका भी है। पहले तो मैं कहना चाहूँगा ये चैनल आपका अपना चैनल भी है, इसमें से आप कहानी सुने तो मुझे भी काफ़ी खुशी होती है और आप लोगों के ज़रिए। तो मैं भी सोचता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से कहानियाँ कुछ नया करके देने का प्रयास मेरा हर हमेशा रहता है। तो मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधा कहानी पर चलते हैं। जो नाम रहेंगे इसमें काल्पनिक रहेंगे। एक महिला थी, वृद्ध महिला थी, तो उसका नाम अनिता देवी था। उनके पुत्र थे, तीन पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र उनका भरी जवानी में मर गया था, जिसका नाम हम राकेश रख देते हैं, और उनके पिता का नाम जो था रमेश था। और वो दो भाई थे जिनका नाम हम राजू और दलीप रख देते हैं, जो दो भाई थे राजू और दलीप और रमेश, ठीक है। तो ये तीन भाई थे, जो जिसमें से रमेश थे वो मर चुके थे। अब क्या होता है, इनकी लड़की की शादी होती है दलीप की, धूमधाम से। तो इनकी घर में बहू आती है, तो इनके घर में क्या हुआ था, दरअसल जो बहू आई थी उस पर देवतू का वास आ गया था। अब इनके घर पे होता है दोस्तों, कहीं पर भी जैसे लड़कियां वगैरह आती हैं तो हमारे वहाँ एक रीत होती है बोला जाता पहाड़ों में, तो जो जिस घर में गंगनाथ जो होते हैं वो अपने किकरियों पर चले जाते हैं रक्षा करने के लिए। बड़ा न्याय का देवता बोला जाता है इनको, अपनी किकरियों की रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं उन पर। तो वैसे ठीक क्या नाम कहते हैं गंगनाथ जू जब यहाँ पर हुआ, तो इनकी लड़की को वहाँ पर दुख वगैरह हो गया, कुछ परेशानी वगैरह हुई, तो गंगनाथ जू आ गए। अब इनके घर में जब भी जागर लगे तो वो लड़की नाचे, बुआरी जो थी इनकी, ठीक है, बुआरी का नाम मैं अंकित कर देता हूँ,
इसमें बुआरी का नाम रखी गई रेखा। तो जब भी इनके घर में जागा लगती थी तो रेखा नाचती थी और बड़े विकराल रूप में नाचती थी। तो जो इनकी सास थी, इनकी सास ने सोचा कहीं यार इस पे मेरे पति तो नहीं आ रहे हैं और क्या नाम कहते हैं मेरे ससुर तो नहीं आ रहे हैं कहीं। अब वो थे इस मंजस में, अब उसमें जब भी वो नाचती थी वो आदेश आदेश करके बोलती थी। तो अब जब भी नाचती थी तो आदेश करती, तो वो उसकी जो सास थी वो बड़ी तेज़ थी। उन्होंने कहा यार तू ये ढोंगबाजी करती है, ये है सो है करके इस टाइप से बोला करती थी। जब भी मतलब जागर वगैरह रखती थी तो अनीता उसको बड़ा हड़काती थी। तो ऐसे करते उन्होंने कहा एक ऐसे जागर में उन्होंने कहा तू कोई देवता नहीं है, ये देवता नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं नाचूंगी, मेरे पास देवता आएगा, मेरे पास आएगा देवता। तो उन्होंने अपने आप से खुद अपने आप को धूप दे दी, अपने लड़कों से कहा मुझे धूप दो तुम सब, मेरे पास आएगा देवता। तो जागर लगाए थे गुरु कहाँ देवता आता है ऐसे, तो कोई देवता नहीं आया। तो फिर जो बुआरी थी उन्होंने कहा, बुआरी ने भी कहा यार, अब उस बुआरी भी उसके उन्होंने कहा यार मेरे पर तो जब वही नहीं, तो उस पर जब गगनाथ जी नाचते थे वो भी वो नहीं करते थे इतने। तो फिर माता जिया जिया एक माता जिया की डंगरिया थी तो उस पर माता जिया आती थी। तो उन्होंने माता जिया को नचाया, माता जिया को नचाया तो माता जिया नाची वहाँ पर, माता जिया नाची। माता जिया ने जो देखने में, देखो हर चीज़ किसी के देखने में नहीं आता, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो विलुप्त रहती है किसी के देखने में नहीं आती है। कि बोलते हैं जैसी भक्ति होगी तुम्हारी वैसी तुम्हें शक्तियाँ मिलेंगी। घोड़े की अगर भक्ति नहीं होगी तो ये मत सोचना कि देवता हमारे पे तत्काल वाला आ जाएगा। भक्ति अगर तुम्हारी तत्काल रहेगी तो घोड़े की शक्ति भी तुम्हारी तत्काल रहेगी। तो ठीक माता जी आएगा, जब डंगरिया नाची वहाँ पर लेडीज़ थी, माता जी अवतरित हुई, माता जी नाची वहाँ पर। माता जी ने बोला क्या ये तुम्हारे घर का दोष है और तुम्हारे पितरों का दोष है, और इसमें मुझे कुछ यहाँ तक यही दिख रहा है, बाकी जो गंगनाथ जो आ रहे हैं गंगनाथ जी की तुम क्या नाम कहते पूजा विधि विधान कर लेना। तो उन्होंने कहा कोई गगनाथ नहीं है, वो जिया माता से भी लड़ने लगे। उन्होंने कहा तुम कैसी माता हो और क्या नाम कहते तुमने, जब तुम्हें हमारे यहाँ पर का पता ही नहीं है तो कैसे होगा ये होगा। तो वो उनसे लड़ने लगे जो लेडीज़ थी, और अपने देवतु से कोई भी देखो अपने देवतु से तो अधिक, अपने देवतु पर तो अधिकार होता ही है, अपने देवतु से तो लड़ना ही हुआ कहीं पर कोई बात होती। तो लड़ी उसकी सास खुद लड़ी। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं क्या, मेरा तो काम था बताने का, मैंने बता दिया। उन्होंने कहा अगर तेरे को यकीन नहीं आ रहा है तो अपने गोयल को नचा के देख ले तू। तो बुढ़िया कहने लग गई गोयल क्या आखिर न्यारे न्यारे करेगा तेरा मेरा फैसला। गोयल ने क्या नाम कहते आज तक क्या नाम कहते हमारा जो गोयल है वो हराया। तो इतने में इनके वहाँ जागर सुनने भी आए थे, तो सब एक गोयल का डंगरिया भी आया हुआ था। तो जैसे इनने बोला कोई गोयल वो क्या नाम कहते गोयल जो हमारा फैसला कर देगा, और आज तक हमारा कोई फैसला नहीं कर पाया, और मेरी बुआरी नाचते हुए आ रही है इतना इतने टाइम से कोई रोक नहीं पा रहा है और ये नहीं कर पा रहा है, तो गोयल क्या करेगा हमारे यहाँ पर आगे। गोयल होयल कुछ नहीं होता है, जैसे इतनी बात जो बोली गोयल कुछ तेरी लुए जैसी छाड़ी मार दा तेरा जोला बोला गोले कुछ नहीं होता है। ले आज के जय मामूगी जय मामूगी जय मामूगी करके तुरंत उस पर अवतारित हो गया जो बाहर से घोड़ा रखा था, तो वहां से गोयल नाचते हुए आ गया। क्योंकि उसने फटकार कहाँ मार दी थी, गोयल पर मार दी थी। क्योंकि अब बोलते हैं गोयल की गद्दी जो असली गोयल होगा तो वो कभी बोली नहीं सहल पाएगा, कि गोयल की गद्दी में बोली कभी नहीं सुनी जाती है। तो तुरंत गोयल जो प्रकट हो गए जय मामूगी जय मामूगी जय मामूगी करके गोयल देवता नाच गए। जब नाचे गोयल देवता नाचते 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 पूरी ध्वनि जो थी उनकी पूरी उनने कवर कर ली, और जितने थे जितने पैर भी थे जितने वहाँ पर नाच रहे थे सब छन भिन्न हो गए, सब अलग अलग हो गए, सास वगैरह सब अलग हो गए। तब नाचे तब जाके फिर गुरु को ने अपना वो प्रणाम करा, गोलजू ने जय मामूगी करके और जय गुरु की वहाँ प्रणाम करा। तो गोयल फिर बैठा वहाँ पर, गोयल बैठने के बाद फिर वो आई माता, उसकी सास भी आई। तब पहला गोयल ने फैसला करा, उन्होंने कहा तू क्या नाम कहते हैं क्या देखना चाहती है तू, तो मैं देख रहा हूँ तो अपना आप को खुद नचाना चाहती है, ले तू अब पहले नाचना चाहेगी, ले पहले तू ही नाच पहले।
पकड़ी तीन दाणियां गोली ने और मारी उसकी तरफ को गोली दाणियां और ठाट से वो नाच गई और रोते 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 हालत ख़राब। और दरअसल जो उस पर कौन आ गए थे, जो उसका पुत्र मरा हुआ था बड़ा, वो लड़का उस पर नाच गया। जैसे उस पर नाचा रोते रोते रोते, फिर उन्होंने कहा मेरे को पानी पिला दो। बोलते हैं जो हमारे पितर वगैरह कोई भी आते हैं, मेरे को पानी पिलाओ। फिर रोआ, उन्होंने कहा मेरा कोई ने मान नहीं करा, मेरा सम्मान नहीं करा और मैं आता रहा जाता रहा और तुम लोग यहाँ रोज़ ऐसी लड़ाई विचकार और रोज़ मैं ऐसी रह गया और रोज़ मैं पिछड़े पिछड़े रह गया, मतलब रोज़ मैं पीछे पीछे रह गया बोलते हैं। तो फिर माता उसकी कहती है, फिर जो भी थे वहाँ पर सब नतमस्तक होते, कहते हैं हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं और जो आज के बाद हम तुम्हारा सब करेंगे, तुम्हारा मान करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे तब जाके। और फिर अपने गोयल के पास कहते जो मेरा राजा फैसला कर देगा, जो मेरा गोयल फैसला कर देगा, मैं वो फैसले को मानूंगा। उसके बाद वो गोयल के चरणों में चले जाते हैं। फिर क्या नाम कहते हैं, जो लड़की पर गगनाथ जी नाच रहे थे तो उनने क्या नाम कहते मारी तीन दाणी और लगाए डोटीगढ़ को आदेश। और तो खट से गगनाथ जी भी आ गया, आदेश 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 करके गगनाथ जी भी खेल गए। जब गगनाथ जी भी साथ खेले गोयल के साथ, उनने क्या नाम कहते फिर गगनाथ जी का बताया। उनने कहा तुम्हारी यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी, तुम्हारी दो बहनों की जो आप जो तुम्हारे सास और उसमें बहू में जो लड़ाई हुई थी और तुमने ससुर ने तुम्हारे जो डांट पटकार जो भी इस पर पड़ी थी बोली पे, तो इसके आंसू गिरे थे, तो आंसू में इसके घर का मैथ का गगनाथ यहाँ आ गया है। अब इसको उन्होंने कहा फिर अब कैसा होगा, उन्होंने कहा तुम्हें इसको कुछ नहीं करना, तुम इसको वहीं इसकी पूजा दे के आना, जो मैथ होगा इसका तुम वहाँ सब जन नगमस्तक हो गए वहाँ पूजा दे के आना और कहना तुम्हारी हम लड़की को राजी खुशी रखेंगे और तुम्हारे लड़की को कभी दुख संकट हमारे वहाँ हमसे कभी नहीं होगा। तब जाके जब इतनी बात वहाँ पर गोलजू बोलते हैं, उसके बाद फिर उनसे कहते हैं तुम्हारे जो लड़का जो मरा हुआ है उसका जो तुम्हें मंदिर है बाहर थापना पड़ेगा और अपने जो घर के पितरों का जो फैसला है जो हरिहरद्वार या तुम अपना जहाँ भी लेना चाहो इनको, इनको 6 महीने के अंदर साल भर के अंदर इनको नहला धुला के अपने देवतों को अंदर स्थापित करना और जो तुम्हारे पितर वगैरह जो भूत वगैरह जो तुम्हारे पति की भी वो नियुक्त किए तो उसकी भी जो वारसी वगैरह है सब ये नियमित तुम्हारे लड़के उठाएंगे। तब इसके बाद पूरा फैसला होता है, तब वो गोयल की ताकत को मानती है सास उसकी जो अनीता थी। अनीता फिर नतमस्तक हो गई, फिर कहती है महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू, भूल हुई है हमसे जो भी, वेदन वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, यदि दया दृष्टि में गोलजू तुम आ जाओ तो बड़ी कृपा हमारे पर हो जाए। तब जाके गोलजू नारा लगाते हैं जय मामू की जय मामू की जय मामू की जय नामू की करके पूरे अपने जो वहाँ सब पर दाणियाँ वगैरह छिड़कते हैं। फिर बहुत सारे लोग गोलजू के पास आते हैं और विचार वगैरह कराते हैं, अपना अपना घरों का दिखाते हैं, कहते हैं हमारे घर में ये हो रहा हमारे घर में ये हो रहा। तो फिर गोलजू सबका फैसला ऐसे करते हुए जाते हैं नियमित पर और अंत में फिर गुरु के वहाँ पर नतमस्तक होते हैं और गोलजू भी फिर अपने कैलाश को चल देते हैं अपने मामू के साथ को। तो दोस्तों यह कहानी सत्य जीवन पर आधारित है और इसमें कहीं पर भी कोई असत्य नहीं बोला गया है। यदि इसमें लगता है किसी भाई को हिम छू पहाड़ी जिले में असत्य बोला है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं जहाँ ये कहानी उड़की है तो मैं आपको वहाँ का सारा विवरण दे दूँगा। दोस्तों धन्यवाद, दोस्तों आपका कोटि कोटि।